जय माँ गायत्री। दैनिक साधना का क्रम होता है पहले ब्रह्म संध्या, फिर पूजा और फिर प्रार्थना। आसन पर बैठकर अपने शरीर और मन को पवित्र बनाने के लिए, देहगत पांच तत्वों को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि की जाती है। इसे ही हम ब्रह्म संध्या कहते हैं। ब्रह्म संध्या में पांच कृत्य करने पड़ते हैं। पहला है पवित्रीकरण, दूसरा है आचमन, तीसरा है शिखा बंधन, चौथा है प्राणायाम और पांचवा है न्यास। इनका विधान बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पवित्रीकरण की। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से गायत्री मंत्र को पढ़कर उस जल को सिर तथा सारे शरीर पर छिड़कना चाहिए। दूसरा है आचमन। जल भरे पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर तीन बार आचमन करें। आचमन के समय गायत्री मंत्र पढ़ें। तीन आचमनों का तात्पर्य गायत्री की ह्रीम शक्ति, जो कि सत्य प्रधान शक्ति होती है। दूसरा होता है श्रीम, जो कि समृद्धि प्रधान होती है। और तीसरी है क्लीम शक्ति गायत्री की, जो कि चल प्रधान शक्तियों होती हैं। इनको मात्र दुग्ध की तरह पान करना चाहिए, यानी अंजलि में जल लेकर बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर उसको पी लेना चाहिए। ऐसा तीन बार करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरी विधि है शिखा बंधन। आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए कि जो सिरा खींचने से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा बंधन का प्रयोजन ब्रह्मरंध्र में स्थित शतदल चक्र की सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करना है, जिससे शिखा पर बाल ना हो वे जल से उस स्थान पर स्पर्श कर ले। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम करने की विधि है कि सबसे पहले आप स्वच्छ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए, नेत्रों को बंद या अध खुला रख सकते हैं। तब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना शुरू कीजिए और मन में ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चैतन्य प्राण शक्ति को मैं नासिका द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र के साथ धीरे धीरे सांस और जितना वायु भीतर भर सके आप उतना भरिए। उसके बाद वायु को भीतर रोकिए और तत्सवितुर वरेण्यम इस मंत्र भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ है, सूर्य के समान तेजस्वी है, उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले की अपेक्षा आधे समय तक वायु को रोक कर रखें। उसके बाद फिर नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र के भाग को जप करिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है ऐसा मनन कीजिए। वायु को निकालने में प्रायः उतना ही समय लगाना चाहिए जितना कि खींचने के समय आपने लगाया था। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु को भीतर रोक के रखा था उतनी देर बाहर रोक कर रखे, अर्थात बिना सांस लिए रहें और धियो यो नः प्रचोदयात इस मंत्र भाग को जपते रहें। साथ ही भावना करें कि भगवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही हैं। यह क्रिया तीन बार करनी चाहिए, जिससे काया के, वाणी के, मन के विविध पापों का संहार हो सके। अंत में प्रक्रिया आती है न्यास की। न्यास कहते हैं धारण करने को। अंग प्रत्यंग में गायत्री की सतोगुणी शक्ति धारण करने, भरने, स्थापित करने, ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री की ब्रह्म संध्या में
अंगूठा और अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरी यह अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार मंत्रोच्चार करना चाहिए। ओम भूर भुवः स्वः मूर्धये नमः, यानी कि ओम भूर भुवः स्वः कहते हुए अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को जहाँ हम चोटी बांधते हैं उसको स्पर्श करें। तत्सवितुर्वरेण्यं नेत्राभ्याम नमः, यानी तत्सवितुर्वरेण्यं कहते हुए अपने नेत्रों को स्पर्श करें। वरेण्यं कर्णाभ्याम नमः, वरेण्यं कहते हुए अपने कर्णों को स्पर्श करें। भर्गो कहते हुए मुखाय नमः, मुख को स्पर्श करें। देवस्य कहते हुए कंठाय नमः, यानी कंठ को स्पर्श करें। धीमहि हृदय नमः, धीमहि कहते हुए हृदय को स्पर्श करें। धियो यो नः नाभ्यै नमः, यानी धियो यो नः कहते हुए नाभि को स्पर्श करें। प्रचोदयात हस्ताभ्याम नमः, और अंत में प्रचोदयात कहते हुए हाथों को स्पर्श करें। भूत शुद्धि या गायत्री की ब्रह्म संध्या एक छोटी सी साधना है, छोटी सी क्रिया है, कुछ ही मिनटों में ये पूरी हो जाती है। जो साकार उपासना में विश्वास रखते हैं वे गायत्री की मूर्ति या शीशे में मढ़ा हुआ चित्र सामने रखकर उसका धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प तांबूल पुंगी फल आदि जो वस्तुएं उपलब्ध हों उनसे पूजन कर लें। जो निराकार उपासना में विश्वास रखते हैं वे चित्र या मूर्ति के स्थान पर अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। धूप बत्ती घृत के दीपक आदि की आग को गायत्री का प्रतीक मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति के उस पूजा स्थान पर आगमन की भावना करते हुए आवाहन मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर आपको आवाहन मंत्र ना आता हो तो आप गायत्री मंत्र से ही आवाहन कर सकते हैं। पूजा के उपरांत आप जप आरंभ आपको कर देना चाहिए। जप कम से कम एक माला यानी 108 मंत्र अवश्य हो। अधिक माला यदि जपने की सुविधा हो तो 3, 5, 7, 11 इस प्रकार विषम संख्या में मालाएं जपनी चाहिए। जप के समय आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी मंडल का ध्यान करना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक गायत्री माता की मूर्ति और निराकार उपासक ओम अक्षर का ध्यान कर सकते हैं। जप पूरा हो जाने पर प्रार्थना स्वरूप त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना एवं कोई गायत्री स्त्रोत गायत्री चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। यह सब याद ना हो तो केवल भावना से ही प्रार्थना हो सकती है। अंत में विसर्जन मंत्र पढ़ते हुए पूजा समाप्त कर देनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।